चेक चेक आवाज आ रहा है। हेलो 1 2 3 चेक चेक वेरी चलो लेट्स स्टार्ट। सो बिजनेस को हमने देखा इंडस्ट्री और कॉमर्स से डिवाइडेड है, ठीक है। नाउ लेट अस स्टडी इट इन अ बिट डिटेल। इंडस्ट्रीज में बी डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज, उसमें से 3 कैटेगरीज है प्राइमरी सेक्टर और प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी इंडस्ट्री इज कंसर्न्ड विद नेचर। प्राइमरी इंडस्ट्री किससे कंसर्न्ड है? नाउ व्हाई फार्मिंग और एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इज हियर? बिकॉज़ दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ नेचर। बारिश होगी तो फार्मिंग एक्टिविटी अच्छे से होगा, कल्टीवेशन होगा, क्योंकि ड्राई एरिया में फार्मिंग नहीं होता है, राइट। और जब भी कोई फार्मिंग या कल्टीवेशन करना है हम लोग को, तो एनवायरनमेंट में वो लैंड प्लस वो एनवायरनमेंट बहुत सुटेबल होना चाहिए, ठीक है। सो दैट इज व्हाई दे से प्राइमरी इंडस्ट्री इज कंसर्न्ड विद नेचर। देन इट इज अ नेचर ओरिएंटेड इंडस्ट्री। अगेन सेम सेंटेंस को उन्होंने अलग फॉर्म में लिखा है कि ये नेचर से कंसर्न्ड है और ये नेचर ओरिएंटेड है, मतलब नेचर से इसका पूरा प्रोसेस डिपेंडेंट है। बारिश नहीं होगा तो उस साल फार्मिंग अच्छे से नहीं होगा, बारिश बहुत ज़्यादा हो गया तो फार्म खराब हो जाएगा, अगेन उस साल फार्म अच्छे से नहीं होगा। सो एग्रीकल्चर से आउटपुट जो आना है, बारिश अगर मॉडरेट और उस लोकेशन में क्या उगा रहे उस हिसाब से होगा तो हमारे लिए सूटेबल, ठीक है। द प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री में बी यूज एज द इनपुट ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री। सो प्राइमरी इंडस्ट्री का जो आउटपुट है वो क्या होगा? सेकेंडरी इंडस्ट्री का इनपुट। आशीर्वाद आटा का जो वीट यूज होगा वो कहाँ से आएगा? प्राइमरी एक्टिविटी से या प्राइमरी इंडस्ट्री से आएगा। सो प्राइमरी इंडस्ट्री का जो फाइनल प्रोडक्ट या जो आउटपुट है वो सेकेंडरी इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल बन जाएगा। क्लियर है इधर तक? देन प्राइमरी इंडस्ट्रीज आर ऑफ 3 टाइप्स। सो प्राइमरी इंडस्ट्री अगेन सब डिवाइडेड है कितने टाइप्स में? 3 टाइप्स। सबसे पहला एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री। This includes farming and cultivation of land. इसका farming और cultivation हो रहा है? Land. The quality of products depends on many factors. अब हम लोग बोलते हैं ना, दुकान में जाते हैं किराना में, वो गेहूँ चेक करते हैं, उसमें अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो वो ऐसे वजन करते हैं, तो ग्रेन्स का जितना ज़्यादा वजन है उतना क्वालिटी प्रोडक्ट है, अगर हल्का है तो भूसा है उसमें, लो क्वालिटी प्रोडक्ट। Now this quality depends on many factors जो वहाँ पे लिखा है। सबसे पहला उसका fertility of land, land कितना fertile है, ठीक है। fertile मतलब moisturized कितना है वो, कितने अच्छे से वो अपने nutrients को maintain करके रखा है, अपने अंदर जो उनको elements चाहिए nutrition, protein, जो भी XYZ चीज़ हमें उस product में चाहिए वो कितना अच्छे से उस land में जमा है। Then climatic conditions, उस एरिया का क्लाइमेट कैसा है, ह्यूमिड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होता है, या फिर बारिश नहीं होती, गर्मी गर्मी, तो अकॉर्डिंगली हम लोग कल्टीवेशन करते हैं, राइट। हम लोग अगर पुणे के आगे एक जगह है जहाँ से शरद पवार जी आते हैं, नाम भूल गया, वहाँ पे ना गन्ने का कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो गन्ने का कल्टीवेशन क्यों ज़्यादा होता है? बिकॉज वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है और गन्ना जो है कल्टीवेट करने के लिए पानी ज़्यादा लगता है, ठीक है। देखेंगे हम लोग लेक्चर के बाद कहाँ से आते हैं, बट इतना याद रखना है। हाँ, वो क्यों दिखता है? बिकॉज वहाँ पे उस लैंड के हिसाब से, उस क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से हमको वो कल्टीवेशन करना पड़ता है। अगर वहाँ पे आप राइस लोगे ना खराब हो जाएगा, एक्सेस वाटर है, राइस नहीं झेल पाता है, सो उस हिसाब से कल्टीवेशन होता है। देन नेक्स्ट इज रेनफॉल, बारिश कितना है। क्लाइमेट इज द नेचर कि गर्मी है, ठंडी है, बारिश कैसा है। कई जगहों में ठंडी बहुत ज़्यादा होती है, दिल्ली साइड में, नॉर्थ में ठंडी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या करना है कल्टीवेट वो डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर ग्रेन्स पे या प्रोडक्ट्स पे या एनवायरमेंट, उस हिसाब से बारिश कैसा है उसके ऊपर भी डिपेंडेंट है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके वजह से हमें कल्टीवेशन करना पड़ता है।
ठीक है। सो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज में ध्यान देना कि हम लोग फर्टाइल क्लाइमेटिक कंडीशन और रेनफॉल, ये प्राइमरी चीज। सेकंड उसका टाइप है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। दिस इंडस्ट्री ड्रॉज आउट प्रोडक्ट फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, तो सॉइल एयर एंड वाटर, इसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, कोई प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं, कई जगहों से हम लोग निकालते हैं। जनरली द प्रोडक्ट्स आर इन रॉ फॉर्म एंड दे आर यूज बाय मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज फॉर प्रोड्यूसिंग फिनिश प्रोडक्ट्स। एग्जाम्पल एक्सट्रैक्टिंग ऑयल एंड मिनरल्स टू अदर इंडस्ट्रीज, सॉरी ऑयल एंड मिनरल्स फ्रॉम अंडरग्राउंड, फिशिंग एंड फॉरेस्ट्री एक्सेट्रा। इट मे बी यूज इन फ्यूल फॉर्म एंड मे बी सेंट टू अदर इंडस्ट्रीज फॉर फर्दर प्रोसेस। सो एग्रीकल्चर में हम लोग ने लैंड से रिलेटेड चीज देखा, लेकिन जब एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हम लोग लैंड के अंदर और लैंड से रिलेटेड एक जगह है, दैट इज वाटर, वहाँ से हम कुछ प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट करते हैं। हम लोग फिश खाते हैं, फिश कहाँ से आता है, पानी से, वो भी हम लोग कैसे, फिशिंग से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। सो इट्स एन एक्सट्रैक्ट और एक्सट्रैक्शनरी इंडस्ट्री। अगेन पेट्रोल एंड ऑयल कहाँ से आता है, हम लोग जमीन के अंदर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो रॉ फॉर्म में होता है, उसको हम लोग को फ्रेश करना पड़ता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करना पड़ता है, ठीक है। और उसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग के लिए सेकेंडरी सेक्टर में, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में भेजते हैं, उसको रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। देन थर्ड इज जेनेटिक इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज आर एंगेज इन रिप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। एग्जाम्पल एनिमल हस्बेंड्री, सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर। तो रिप्रोडक्शन और जेनेटिक इंडस्ट्रीज में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी जगह में रिप्रोडक्शन होता है, जैसे तुलसी का फार्म है, तो तुलसी पेड़ को, पौधे को, जो वो ग्रेन आते हैं उसको निकाल के हम लोग और उसको प्लांट करते हैं, उसके वजह से क्या हो रहा है, वो रिप्रोड्यूस हो रहा है, और वो रिप्रोडक्शन में हम लोग प्लांट और एनिमल्स को देते हैं। टाइगर्स कम है हमारे पास, क्योंकि वहाँ पे मेल फीमेल रेशियो कम है, जहाँ पे मेल है तो वहाँ पे सभी मेल अगर है तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है। प्लांट्स के साथ भी वैसे ही होता है, एक अकेला पौधा नहीं कुछ करेगा जब तक उसके ग्रेन्स और स्प्रेड नहीं होंगे। देन सेकंड, हाँ सेरिकल्चर में अंडरलाइन करो, बाद में डिस्कस करते हैं। क्या अंडरलाइन? देन सेकेंडरी इंडस्ट्री, दीज इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन प्राइमरी इंडस्ट्रीज। सेकेंडरी इंडस्ट्री किस पे डिपेंडेंट है? जितने भी पैकेट्स में ग्रेन्स आते हैं, चाहे वो राइस हो, वीट हो, मिलेट्स हो, ठीक है, कोई भी ग्रेन्स हो, अगर फार्मिंग या फिर प्राइमरी सेक्टर जिंदा है तभी वो सेकेंडरी सेक्टर जिंदा है, नहीं तो वो उसको फिनिश गुड्स बना के वो पैकेट में भरेंगे कैसे, कहाँ से भरेंगे, राइट। सो प्राइमरी सेक्टर पे सेकेंडरी इंडस्ट्री या प्राइमरी इंडस्ट्री पे सेकेंडरी इंडस्ट्री डिपेंड करता है। दे कन्वर्ट द रॉ मटेरियल्स प्रोवाइडेड बाय प्राइमरी इंडस्ट्री इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। सो सेकेंडरी इंडस्ट्री का काम क्या है, कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। एग्जांपल्स है टोमेटोज प्रोवाइडेड बाय सेकेंडरी इंडस्ट्री, सॉरी टोमेटोज प्रोवाइडेड बाय प्राइमरी इंडस्ट्रीज आर यूज फॉर मेकिंग सॉस एंड केचप। किसान टोमेटो केचप कहाँ से बना, फार्मर्स ने मेहनत करके टोमेटो उगाया, उसको इन्होंने प्रोसेस किया। देन सेकेंडरी इंडस्ट्रीज आर ऑफ टू टाइप, वन इज मैन्युफैक्चरिंग एंड सेकेंड इज कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग में इंडस्ट्रीज आर एंगेज इन ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स विद द हेल्प ऑफ मशीन्स, मैन पावर। द फाइनल गुड्स मे बी कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स, एग्जाम्पल टेक्सटाइल, शुगर, पेपर इंडस्ट्री एक्सेट्रा। सिंपली दिस सेकेंडरी इंडस्ट्री इज डिवाइडेड इंटू टू। उसमें सबसे पहला चीज है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जहाँ पे दो तरीके से प्रोसेस होते हैं, वन इज मशीन, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज मैन पावर। कई बार कुछ गुड्स आते हैं, वो गुड्स के फर्नीचर बनते हैं, कौन बनाता है फर्नीचर, इंसान बनाता है। कई बार हैंडीक्राफ्ट के मटेरियल्स होते हैं, राइट, कुछ लकड़ी के खिलौने होते हैं, कि कौन मैन्युफैक्चर करता है, ये हैंडमेड मशीन, सॉरी हैंडमेड मैन्युफैक्चरिंग। कुछ कपड़ों में एम्ब्रॉयडरीज होते हैं, हैंडमेड आउटपुट है, हैंडमेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस।
कई जगहों पे मशीन से वो एम्ब्रॉयडरी होता है, मशीन से वो मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है। सो क्या हो गया अब यहाँ पे, बहुत सारे लोग बोलते हैं आई वेंट टू सर्विस सेक्टर, मैं रियल इस्टेट का काम करता हूँ, हम लोग घर बेचते हैं। बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन है, बट दे आर एक्चुअली इनटू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में है। क्यों? क्योंकि वो रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके कुछ जगह बना रहे हैं। अब ये दीवार है, पहले था क्या? कंस्ट्रक्ट किया गया है, मतलब बनाया गया है, सो इट्स मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है। सो कंस्ट्रक्शन ऑफ एनीथिंग इज अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है। In case of other industries, goods can be produced at one place and sold at another place, but goods made and sold by these industries are at one place. This is only industry which creates immovable. So, construction industries में या फिर construction sector में जहाँ पे जो product बनाया है वो वहीं पे रहेगा lifetime, और वहीं पे उसको sell किया जाएगा और वहीं पे consume किया जाएगा। Not like other products जो manufacturing sectors में या manufacturing industries में होते हैं। Clear? Then tertiary industries, which are very much important and helps the primary industry and secondary industry. Tertiary industry is related to support system, to provide support services to primary and secondary industries. Service facilities are provided by these industries. It includes transport, banking, which comes under traditional category, whereas in modern times, hotel industry, tourism industry, entertainment industry, etc. are also included. तो ओवरऑल टर्शियरी सेक्टर इज रिलेटेड टू सर्विस, ठीक है। हम लोग जो भी सर्विस करते हैं या जो भी सर्विस देते हैं वो टर्शियरी इंडस्ट्रीज है, एंड इंडिया इज वेरी मच गुड इन सर्विस सेक्टर। हमारे इंडियन इकोनॉमी में जो भी ग्रोथ हो रहा है आज के तारीख में वो सर्विस सेक्टर के वजह से ज़्यादा हो रहा है, लेकिन इन फ्यूचर अगर हमारे इकोनॉमी को और बढ़ाना है तो हमें सर्विस इंडस्ट्री से ज़्यादा और अलग अलग इंडस्ट्रीज में या दोनों सेक्टर्स में काम करना पड़ेगा, बिकॉज अलोन सर्विस सेक्टर कैन नॉट गिव अस गुड आउटपुट्स, ठीक है। क्योंकि अभी सर्विस सेक्टर में एक नया चीज आया है, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड वो बहुत सारे लोगों का जॉब खत्म कर चुका है, और इन फ्यूचर 10 साल में शायद आप जो हम लोग टीचर्स हैं वो भी नहीं होंगे, मे बी बिकॉज ऐसे बॉट लर्निंग होगा, एक कंप्यूटर सिस्टम होगा जहाँ पे एक इंसान को जॉब पे रखा है, वो बटन दबाएगा, दिन के 6 लेक्चर आपको ऑडियो बुक की तरह एक्सप्लेन किया जाएगा। यस, और बहुत सारे जगहों में एक पेन ड्राइव दिया जाता है जहाँ पे लेक्चर्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड है और वो लेक्चर आपको सुन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन सर्विस सेक्टर में जॉब्स कम हो गए, लेकिन हमें अगर इस सेक्टर में रहना है तो इमोशनल इंटेलिजेंस या फिर इमोशनल क्वेश्चन यूज करना पड़ेगा। तो जब कोई भी काम ऐसा आता है जैसे आपके कंसल्टेशन से हो, पेरेंट्स को समझाना, वहाँ पे इंसान ही लगेगा क्योंकि इमोशन अटैच है वहाँ, है ना। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे बहुत टेंशन में रहते हैं, क्या होगा हमारे बच्चों का, हम लोग को लगता है क्या इतना टेंशन ले रहे हैं, बट स्टिल वो आपके फ्यूचर को देखते हैं, है ना। सो टर्शियरी इंडस्ट्री सपोर्ट्स एंड हेल्प्स द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री टू ग्रो, ठीक है। दैट्स इट फॉर द डे, अगले क्लास में हम कॉमर्स पढ़ेंगे और कॉमर्स से रिलेटेड क्लासिफिकेशंस और उसके कुछ पॉइंट्स एंड देन डिस्टिंग्विश बिटवीन, उसके बाद अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। Clear? So much. Have a great day. Mobile bhi gir gaya.